हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल डीयू में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र जो हैं ये हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे और वो इस चीज़ को लेकर असमंजस में है कि उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, ओपन बुक के माध्यम से कितने घंटे का होगा, कैसे जो है कहाँ से वो क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे और कहाँ जो है वापस वो अपलोड करेंगे, कौन से पेपर में वो जो है एग्ज़ाम लिखेंगे और कौन से माध्यम में जो है वो एग्ज़ाम उनको लिखना है और साथ में जो है किस तरह से पेपर आएगा। तो दोस्तों इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों इसको लेके जो है कुछ दिन पहले गाइडलाइंस भी जो है जारी किया गया था, जिसमें जो है पूरी तरह से जो है स्पष्ट तो नहीं कहा गया था कि किस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जहां तक जो है मोटा मोटी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा और इसमें जो है आपको 1 घंटा जो है पहले का 1 घंटा जो है या आधा आधा घंटा जो है जिसमें आपको जो है क्वेश्चन जो है ऑनलाइन डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है आधा घंटा फिर जो है आपको अपलोड करना है, तो ये दोनों लगा के जो है आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। बाकी जो 2 घंटा होगा उसमें जो है आपको पूरे डिटेल में जो है आंसर लिखना है, आपका जो क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन होगा उनका जो है पूरे आंसर लिख के आपको जो है देना है और ये जो आंसर लिखना है आपको जो है A4 साइज जो पेपर होता है, ये शीट होता है, उसी पे जो है लिख के देना है। A4 साइट आप जो है अपने आसपास के जो है कोई भी जो है बुक शॉप पे जाएंगे या जहाँ पे आपको जो है पेपर मिलता है वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है A4 शीट आप जब बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। तो आप जो है पहले से ही खरीद के रख लें, मेरा यही सुझाव है। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना था कि क्या हम जो है कॉपी पे या रजिस्टर पे जो है दे सकते हैं, तो दोस्तों इसको लेके जो है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आप जो A4 शीट जो है दुकान से खरीद लेंगे तो उस पे जो है आप अच्छे राइटिंग में जो है साफ साफ लिख पाएंगे तो वो बेहतर होगा और उसी पे जो है आप लिखें। जैसे आपको जो है पहले जो एग्ज़ाम में आपने अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो जैसे सीट होता है वैसे ही आप अगर ख़रीद लेंगे और तो बेहतर होगा, उसी पे जो है आप एग्ज़ाम दें तो बेहतर होगा। बाकी बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना था कि क्या जो है हमारा जो क्वेश्चन होगा आएगा वो क्या MCQ टाइप में आएगा या जो है हमें लिखना होगा। तो दोस्तों MCQ टाइप का जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जो होगा जो पेपर आएगा वो आपको जैसे आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था यानी कि पूरे डिटेल में जो है व्याख्या करते हुए लिखना होता है, उसी तरह से जो है आपको लिखना होगा पूरे डिटेल में, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग जितने में वर्ड में आपको जो है लिखने के लिए बोला जाएगा उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। तो MCQ टाइप इस भरोसे में अगर कोई छात्र रह रहे हैं कि MCQ टाइप में आएगा उसमें जो है आपको टिक लगाना होगा, तो ऐसा नहीं है, आपको जो है पूरे डिटेल में लिखना है और ये जो है आप बुक से जो है ओपन बुक के माध्यम से यानी कि बुक से जो है आपका बुक है या कोई नोट्स है उसके माध्यम से आप जो है वहाँ से लिख सकते हैं देख के। बाकी आप अपने से खुद से जो है अच्छे से बना के लिखें जिसके कारण जो है आपकी लेखन क्षमता को जो है आंकेगा टीचर और इसमें जो है आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बाकी आप एग्ज़ाम की तैयारी भी खुद से पढ़ के जो है अच्छे से अभी तब तक करें। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है बहुत सारे छात्रों का था कि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो किस माध्यम से देना होगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में देना होगा या हिंदी मीडियम में देना होगा, किस में देना होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है दोनों माध्यम आपके लिए ऑप्शन है, चाहे आप इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में या फिर आप हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में, दोनों में से किसी में भी आप जो है दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आपने पहले जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर में जिस भी माध्यम में दिया होगा यानी कि आपने इंग्लिश में दिया होगा तो इंग्लिश मीडियम में दे और अगर आपने जो है हिंदी मीडियम में दिया है तो हिंदी मीडियम में ही दे। बाकी अभी भी जो है ऑप्शन होगा कि आप जो है किस में एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा अगर आपने जो है शुरुआत जो है इंग्लिश मीडियम में किया था या करेंगे तो आपको जो है अंत भी जो है इंग्लिश मीडियम में ही जो है आंसर के साथ करना होगा। बाकी जो हिंदी मीडियम में शुरू किया था उनको जो है हिंदी मीडियम में ही जो है अपना आंसर ख़त्म करना होगा, तो इसका जो है आप ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई सवाल होगा आपका तो हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और हम आपके सवालों का जो है जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी यही था, बहुत सारे छात्र जो हैं इन्हीं सवालों को लेके बार बार कन्फ्यूजन हो रहे थे और वो हमसे बार बार पूछ रहे थे। तो दोस्तों यही है, यही था, उम्मीद है कि आपको जो है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी यही है कि जल्द ही जो है आपका गाइडलाइन एक बार दोबारा जो है कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि आपको जो है कौन से पोर्टल से जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है। जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि आपके जो जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो है वेबसाइट पे जो है कोई पोर्टल बनाया जाएगा और वहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया जाएगा और अलग अलग कोर्सेज का जो है अलग अलग माध्यम होगा, यानी कि अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग होगा और वहाँ से आपको जो है डाउनलोड करके वापस जो है आंसर लिख के जो है फ़ोटो खींच के उसका जो है उन्हीं पोर्टल पर दोबारा जो है अपलोड करना होगा लॉगिन करके। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई समस्या होगा या कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट जरूर करिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपके कुछ सवालों का जो है जवाब मिल गया होगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।